रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात हुई। सारी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर थी। पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की जापान के हिरोशिमा में चल रहे G7 समिट में युद्ध के बाद पहली बार मिले हैं। दोनों नेता पूरी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिले। इसके बाद पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर जेलेंस्की के सामने एक बयान भी जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा है, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए यह युद्ध एक मानवता का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन जब पिछले साल हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तो उन्होंने वहां की विभीषिका के बारे में बताया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि युद्ध रोकने के लिए भारत और निजी रूप से मैं, हमसे जो भी संभव है हम जरूर करेंगे। सुनिए पीएम मोदी का पूरा बयान। एक डेढ़ साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद, लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़ेंगे, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन कई बार भारत से मध्यस्थता की अपील कर चुका है। भारत ने भी युद्ध रोकने की अपील हर बार की है। अब पीएम मोदी के आश्वासन के बाद जेलेंस्की बेहद खुश होंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।